बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 1B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 है और ये हम सॉल्व करते हैं। ये एक डायमेंशन है एक रेक्टेंगल की और ये एक रेक्टेंगल प्लॉट लिया गया है जिसका हमें साइज दिया है 28.3 मीटर और 53.7 मीटर। ये हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें एरिया इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अच्छा, अब पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना है कि पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है। ये आप ऐसे समझें जैसे ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में यहाँ पे हमारे सामने रेक्टेंगल कब बनती है, जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यानी ये जो साइड है इसके इक्वल है और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, इसे हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगल है। सो इसका एक एरिया जो है वो है 53.7 मीटर, तो ये भी 53.7 मीटर होगा, सही। और ये जो वैल्यू है ये है 28.3 मीटर और ये भी हमारी 28.3 मीटर होगी, सही। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब होता है वॉक अराउंड। वॉक अराउंड, जैसे हम राउंड ऑफ कर रहे थे, राउंड ऑफ क्या कर रहे थे, हम चक्कर लगा रहे थे, गोल चक्कर लगा रहे थे। इसी तरह से यहां पे पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब ये कि मैं अगर यहां से शुरू करता हूं यहां जाने के लिए और फिर इस तरफ आने के लिए और फिर यहां पे आने के लिए और ये मेरे से हम कहेंगे पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर में हम पहले उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखें, एरिया का तो आपको पता है कि लेंथ मल्टीपल ब्रेथ आप निकाल लेते हैं। सो एक थोड़ा सा रिकॉल हो जाती है वो ऐसे कि मैं यहां पे लिखता हूं पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखें चूंकि मैंने यहां से राउंड ऑफ शुरू करना है सो क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ इसी तरह से मैं चलूंगा ना, तो क्या होगा कि आप देखें मैं यहां पे दो मर्तबा, अब मैं वेरिएबल्स को जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स को ऐड करना होता है, इसी तरह से क्या होगा 2b, यानी यहां पे मेरे पास लेंथ भी दो मर्तबा आ रही है और ब्रेथ भी दो मर्तबा आ रही है, तो मैंने उनको और सिंपल फॉर्म में कर दिया। एक और इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है कि हम इस दो को कॉमन लेके एल प्लस बी कर सकते हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, पेरीमीटर का। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ही फाइंड करना है सो हम क्या करते हैं, हम इसमें अब वैल्यूज को इनपुट करते हैं ना, इसके अंदर वैल्यूज को डाल लेते हैं। अब वैल्यूज को करने के लिए क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है। सो हम दो एग्जैक्ट आएगा, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है 53.7 और क्या है हमारे पास, प्लस हमने ऐड करना है, ब्रेथ हमारे पास है 28.3 और ये इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है ये दोनों वैल्यूज मीटर की हैं। यहां तक हो गया। अब हमने बोर्ड मास रूल के जरिए, जो हमारा बोर्ड मास रूल है, उसमें सबसे पहले हमने इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है 2 मल्टीपल। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 53.7 प्लस 28.3, ये आ गया हमारे पास 82। और अब यहां पे ये जो वैल्यू रह गई थी ना मीटर वाली, इसे मैं उठा के यहां पे लगा दूंगा, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को हम मल्टीपल कर लेते हैं, 82 को 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 2 4 160, यानी 164 मीटर, ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब यहां पे शुरू होता है, वो कहता है कि इस पेरीमीटर को आप नियरेस्ट 10 मीटर पे, नियरेस्ट 10 पे, अब देखें ये वंस है और ये टेंस है, जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया है, होपफुली आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई है। सो आपने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, इसे अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसे हम चेक करेंगे, वो चूंकि 5 से कम है सो ये हो गया 160 मीटर, ये हमारा
क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इसका अब सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है कि इसी तरह से हमें स्क्वायर दिया गया है, सॉरी यही रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का अब हमने एरिया फाइंड करना है, और उस एरिया को हमने क्या करना है, हमने आई थिंक के 100 मीटर स्क्वायर तक उसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। यहां पे हमने टेंस का किया था और वहां पे हम 100 के करेंगे। सो अब हम यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, और लेंथ इसकी क्या है 53.7 मल्टीपल 28.3 क्या करना है मीटर आएगा। जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो ये हमारी वैल्यू किस में आएगी, स्क्वायर में आएगी, सही है, एरिया की, और पेरीमीटर में स्क्वायर में नहीं आती है। अब इनको हम मल्टीपल कर लेते हैं, 53.7 मल्टीपल 28.3 ये आ गया हमारे पास 1519.71 मीटर स्क्वायर एरिया। अब हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, कितना, 100 मीटर के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमने राउंड ऑफ करना है। अब 100 मीटर एक क्या है कि ये डेसिमल की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर होल नंबर की वैल्यू है। सो हम यहां से शुरू नहीं करेंगे, ये हमारा वंस नहीं है, ये हमारा टेंस नहीं है, यहां से ये है हमारा वंस और ये है हमारा टेंस और ये है हमारा 100। सो 100 से अगेन आगे वाली जो डिजिट है वो तो कम है, 4 से कम है। सो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूं यहीं पे। सो हम इसे लिखेंगे 1500 मीटर। अच्छा, इसका आगे ये डॉट्स भी है, ये भी हम कर देते हैं मीटर। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि यहां पे तो ये 1 है, ये मैंने 2 क्यों किया है, 0 क्यों किया है ये वाला, हालांकि मैं इसे एज इट इज ही रहने देता। देखें राउंड ऑफ का प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम राउंड ऑफ में जो 5 है उससे पहले वाली डिजिट अगर हमारी ऑड नंबर है, ऑड है, अगर हमारा जो 5 से आप लगा लें कि कम वैल्यू हो और वो ऑड नंबर हो और इवन नंबर हो, सो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक रूल चेंज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तफसील से इस चीज़ को हम डिटेल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1B का हमारा रहता है, दरमियान में लाइट चली गई थी, थोड़ा मुझे बाद में रिकॉर्ड करना पड़ा ये। अच्छा, इसमें यह है कि हमें राउंड ऑफ करना है, हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ का, डेसिमल में प्लेस वैल्यू का, और क्या हो गया कि होल नंबर में प्लेस वैल्यू के बारे में पता चला है। अभी इस मरतबा हम यहाँ पे 4.918 मीटर को 0.1 मीटर तक देखेंगे। अच्छा देखें, ये भी वही है जैसे हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं ना कि 1 डेसिमल पॉइंट तक। अब यहाँ पे हमने वर्ड्स के अंदर नहीं लिखा है 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे लिख दिया है। सो बात एक ही है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 4.918, और क्या करेंगे कि हमें डेसिमल 1 तक जाना है। एक बात जो आपने ध्यान और ख्याल रखना है वो ये कि जो भी हमारी वैल्यू होगी और जो हमारा डेसिमल की जिसमें हमने करेक्शन करनी है, जिसमें हमने शिफ्ट करना है उस वैल्यू को, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लेनी है, उन दोनों की वैल्यू सेम उसमें हो। जैसे ये मीटर में है और दूसरी भी मीटर में है, अगर ये एक दूसरे से चेंज होंगी तो हमारी डेसिमल वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, सही है। तो क्या होगा, हमें पॉइंट पे ख्याल रखना है, पॉइंट के बाद 1 है तो हमें 9 का, 9 से आगे, ये देखिए 9 से आगे हमारा 1 है और 1 पे आके हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सो हमारा आंसर इसका बनेगा 4.9, ये मीटर में आएगा।
ओके हो गया 9.71 सेंटीमीटर और उसे हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर पे करना है। अच्छा, इसे हमने गौर ये करना है कि इस वैल्यू में हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि इसमें सेंटीमीटर वाली वैल्यू कौन सी है और सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर पे फोकस करना है। देखें, जिस तरह से हम मीटर को और सेंटीमीटर को, ये दोनों यूनिट तो लेंथ के हैं, लेकिन मीटर की वैल्यू हमेशा डेसिमल से पहले आएगी। अगर हम एक साथ लिखेंगे, जैसे मान लें 3.72 है, तो इसमें ये जो 7 है ये हमारा मीटर की वैल्यू है और ये 0.72 जो है ये हमारा सेंटीमीटर की वैल्यू है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले, क्वेश्चन जितना सिंपल होगा उतना ही उसके अंदर कोई ना कोई हिडन ट्रिक उसके अंदर होगी जिसे हमें समझना जरूरी है। सो बेसिकली 9 ही सेंटीमीटर है जिसे हमने नियरेस्ट राउंड के करीब करना है और जिसे हम देखने के लिए अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को 9.71 सेंटीमीटर, हमें बेसिकली सेंटीमीटर को राउंड ऑफ करना है। इस सेंटीमीटर को राउंड ऑफ करने के लिए हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को देख लेते हैं, जो कि आप ऐसा कहें कि 5 से प्लस है, हम इसे क्या कहेंगे, ये 10 सेंटीमीटर के करीब है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 3, जो कि डॉलर 10.0982 हैं, जिन्हें हमने करना है नियरेस्ट 10 के करीब करना है। उसी तरह से सेम इसी क्वेश्चन की कॉपी है, जस्ट आप ये समझें कि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे डॉलर का साइन है। हम एज इट इज 10.982 नोट करते हैं और 10 के बाद हमने डेसिमल में देखना है, हमने बेसिकली इस वैल्यू को देखना है। क्या करना है कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा, चूंकि 9 है, $11 का, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तवज्जो से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इससे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, इससे पहले अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट वैल्यू के बारे में, सही। यहाँ पे बेसिकली हमें फ्रैक्शन के अंदर एक वैल्यू दी है और फ्रैक्शन को हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या बनेगा। सो पहली अंडरस्टैंडिंग हमने ये करनी है कि हर फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल के अंदर भी लिखी जा सकती है। जैसे अगर मैं 1/10 को डेसिमल में लिखूं तो हम क्या लिखेंगे, 10, ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा, सही। ये हमारी डेसिमल की वैल्यू, यानी इस वैल्यू को ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं जिनके ये बराबर है। सो इसका आंसर हमारा आएगा 6.489 को अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6.49 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट वैल्यू को फोकस करना होता है जो आगे वाली है।